हाय फ्रेंड्स, मैं आशमिन ऑन ब्यूटी से। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत वेलकम है। आज के वीडियोस में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर के डैंड्रफ को कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी होम रेमेडीज से। इसमें कोई शैम्पू कुछ ये मैं नहीं बताने वाली हूँ। इसमें सिर्फ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसको मिक्स करके आपको अपने हेयर में लगाना है और उससे आपके हेयर का डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा और आपके हेयर जो वीक होते हैं वो हेयर स्ट्रांग हो जाएंगे और हेयर फॉल पे भी ये कंट्रोल करेगा। हेयर फॉल हमारे इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे हेयर में डैंड्रफ आ जाते हैं तो वो हमारे पूरे हेयर को कमज़ोर कर देते हैं। इसी वजह से जब हम कॉम करते हैं तो हमारे कंघी में बहुत ही जल्दी हमारा हेयर टूट के आ जाता है। तो अगर आपके हेयर में कोई डैंड्रफ नहीं रहेगा तो आपका हेयर स्ट्रांग रहेगा और आपका हेयर काफ़ी सॉफ्ट भी रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने हेयर को वॉश कर लिया है और मैं वीडियो पहले ही शूट कर चुकी हूँ कि हमें क्या लगाना है और क्या बनाना है। आप वॉश करने के बाद आपका हेयर बहुत ही फ्री लगेगा, एकदम बहुत ही लाइट वेटेड लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, एकदम स्मूथ टाइप लगेगा। ये लगेगा कि एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कोई कंडीशनर करने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ नॉर्मली आपको उसे अप्लाई करने के बाद 1-2 घंटे के तक रखने के बाद आपको नॉर्मल शैम्पू कर लेना है। उसके बाद आपको कंडीशनर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से वही छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड कलर के बटन को प्रेस करके, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोग मेरे अपकमिंग वीडियोस से हमेशा नोटिफाइड रह सको। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें ये हमें 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। पहला हमारा ये मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, आप कोई सा भी कंपनी का सरसों का तेल ले सकते हो। दूसरा ये हमारा हाफ लेमन चाहिए, हमें फुल लेमन नहीं चाहिए, सिर्फ हाफ लेमन चाहिए। और जो तीसरा है वो हमारा ये कपूर का गोली है, ये कपूर का गोली है, ये सिर्फ हमें 1 पीस चाहिए इस टाइप का। ये पूजा करने में काम आता है, सो ये किसी भी जनरल स्टोर में आप लोग को इजली मिल जाएगा। सो मिक्स करने के लिए हमें एक खाली बोल चाहिए। मस्टर्ड ऑयल में से हम 5 टेबल स्पून ले लेंगे। आप अपने हेयर की लेंथ से लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो। ये हाफ लेमन को मैं इसमें डाल कर इसे इसके जूस को अच्छे से मैं निकालूंगी। बाल में ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप पूरा 1 लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कपूर का, इसे हम पहले तोड़ लेंगे, इसे हम किसी भी चीज़ से ऐसे करके प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं अपने हेयर में आप लोग को इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपने हेयर को कॉम कर लेंगे सही से और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और अब मैं इस ऑयल को अपने बालों में मसाज देते हैं, पूरे हेयर में अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद 1-2 घंटे में आप अपने हेयर को वॉश कर लो किसी भी शैम्पू से, जो शैम्पू आप यूज़ करते हो, किसी भी नॉर्मल शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश कर लोगे तो आपका हेयर बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ भी हो जाएगा, सिल्की भी हो जाएगा और आपके हेयर के डैंड्रफ जो हैं वो कम होते जाएंगे। फर्स्ट यूज़ में आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का आपको इसका इफेक्ट दिखेगा कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन
डैंड्रफ भी हल्का फुल्का कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हो, मतलब वीक में दो बार, ज़्यादा नहीं, वीक में आप दो बार इसे यूज़ करो, जब जब आप शैम्पू करते हो, अगर आप तीन बार वीक में शैम्पू करते हो तो आप तीन बार इसका यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है ये, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर देगा और आपके पूरे डैंड्रफ को भी मिटा देगा। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगेगा, मेरा ये वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि ये आपके हेयर के डैंड्रफ को ख़त्म करने में आपका हेल्प किया या नहीं किया, आपके ऊपर सुटेबल रहा या नहीं रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग को किस टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस टाइप के वीडियोस आप लोग के लिए लाने की कोशिश करूँगी। और सो नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।